यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने एंगुलर में डेटा बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो डेटा बाइंडिंग का क्या मतलब होता है? डेटा बाइंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? आपके HTML टेम्पलेट से TS फाइल पे। तो मान लीजिए आपका HTML है, आप उस HTML पे आप स्टेटिक देखा तो डेटा तो नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है? कि मान लीजिए मैंने रंजीत लिख दिया तो हर बार रंजीत ही दिखेगा, ठीक है? मान लीजिए आपका डिफरेंट डिफरेंट यूजर आएगा, वो लॉग इन करेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना है आपके HTML टेम्पलेट पे। तो उसके लिए हमको क्या काम करना पड़ता है? डेटा बाइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है? मान लीजिए कि कोई एक यूजर आया, वो यूजर ने आपके वेबसाइट पे लॉग इन किया। अब जैसे ही वो लॉग इन किया तो उस यूजर का इन्फॉर्मेशन आपके HTML पे शो होना चाहिए, लेकिन जब यूजर आप लॉग इन करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके TS फाइल पे आती है। तो उस TS फाइल का जो डेटा है वो आपके HTML फाइल कैसे शो करवाओगे? तो उसके लिए हम लोगों को बाइंडिंग करनी पड़ती है डेटा को, ताकि हम डायनेमिक डेटा शो करवा सके TS फाइल से HTML फाइल में, ठीक है फ्रेंड? तो डिफरेंट वे ऑफ डेटा बाइंडिंग होता है। तो सबसे पहले क्या, टाइप स्क्रिप्ट से यानी आप TS फाइल से HTML पे कैसे डेटा को शो करवाओगे, कैसे डेटा को बाइंड करोगे? तो एक होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है? अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या काम करना है, दो बार कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करनी है और क्लोज करनी है, ठीक है? ठीक है, अब उसमें नेम देना। अब ये नेम कहाँ से आएगा? आपके टाइप स्क्रिप्ट से आएगा, ठीक है? जो भी आप वेरिएबल यहाँ बनाए होंगे टाइप स्क्रिप्ट पे, तो ये नेम में आ जाएगा। अब जैसे यूजर मान लीजिए लॉग इन हुआ तो वो यूजर का नाम आपके टाइप स्क्रिप्ट पे आ गया। अब वो टाइप स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे आपके टेम्पलेट पे शो करवा दिए हैं, तो जो भी यूजर लॉग इन करेगा उसका नाम आपको डायनेमिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। एक होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी है, क्लोज करनी है, उसमें प्रॉपर्टी लिखना है और फिर वेरिएबल लिखना है। अब ये वेरिएबल कहाँ से आएगा? आपके TS फाइल से आएगी, ठीक है? अब एक आपको कम्युनिकेशन करना है, मान लीजिए HTML से टाइप स्क्रिप्ट में, तो ये कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि कोई यूजर है, वो फॉर्म फिलअप किया, तो वो फॉर्म तो आपके HTML पे भी रहेगा, तो वो फॉर्म का डेटा अगर आप टाइप स्क्रिप्ट पे पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इवेंट कॉल करनी पड़ेगी। आपको इवेंट कैसे लिखनी है? तो इवेंट का नाम लिखना है, जैसे ऑन क्लिक, ऑन चेंज, बहुत सारे इवेंट होते हैं, और यहाँ पे एक्सप्रेशन देनी है, ठीक है? फिर मान लीजिए आपको कैसे सिंटेक्स इसका लिखना है, बटन, ठीक है? फिर मैंने क्लिक किया, अब इस क्लिक पे ये इवेंट कॉल होगा। अब इस इवेंट पे जो भी आपको लॉजिक लिखनी है वो आप अपने टाइप स्क्रिप्ट पे लिख सकते हैं, यानी TS फाइल पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।